भाई सब्सक्राइबर। अरे यार हम जा रहे हैं भाई सब लोग हरिद्वार। दोस्तों जस्ट भाई सीट मिल गई है। जय श्री राम। चलो मजा नहीं है ऐसे। बोल सुबह दोपहर शाम। भाई ताला लगा दिया मैंने, ठीक है। और भाई सामने खड़ी है इको। आज पहली बार तुम्हारा भाई इको चलाएगा लाइफ में, पहली बार। पहली बार इको चलाऊंगा। तो भाई इको किसकी है? इको है भाई इसकी, जीजा की। तो ये घर पर आया था मिलने, तो जस्ट अभी चल रहे कहाँ पर, पुराने वाले मकान पे मम्मी को लेकर जा रहा। आंगनवाड़ी है ना मम्मी की, मम्मी बैठी पीछे भाई फर्स्ट टाइम। और भाई कैसा इंटीरियर है देख लो इको का। ओ भाई कैसा लग रहा इको इको फर्स्ट टाइम इको। भाई चल बुकिंग वाले कहाँ तक चलना भाई, बता दियो कहाँ तक जाना। शिव पार्क जाना। चलो चलो ठीक है फिर दोस्तों, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। दोस्तों इको में बैठ के ना ऊंचा ऊंचा सा लग रहा, देखो जैसे कोई ट्रक फ्रक सा हो ना ऐसा। भाई मैंने आज तक एल्टो चलाई है, बलेनो चलाई है, इको तो फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। देखो ऊंचा ऊंचा सा लग रहा। अभी का सीन क्या है कि तुम्हारा भाई एक तो टी शर्ट रख रहा है, क्यों रख रहा है बता दूँ। अभी मैं अपनी चाची के घर पर ही हूँ। एक भाई ये मैं कार्गो रख रहा हूँ, एक टी शर्ट रख रहा हूँ। तो एक कार्गो और टी शर्ट मैंने ऐसा करके ऐसा बैग में रख लिया। एक अंडरवेयर कच्छा, एक बनियान उसको भी अंदर ही, और एक ये तौलिया। अब सब लोग समझ गए होंगे, हमने ला टाइटल से सब लोग समझ गए होंगे। और एक गोप्रो ट्रिप। सो गाइस जस्ट भाई अभी मैं जा रहा हूँ और सचिन जा रहा है, गोल्लू जा रहे हैं, मतलब सारे दोस्त जा रहे हैं और उनके जीजा जी जा रहे हैं। हम जा रहे हैं भाई सब लोग हरिद्वार, मतलब हम सब दोस्त फ्रेंड लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, बड़ा मन कर रहा था। और हरिद्वार हमारे घर से कितनी दूर है? 160-170 किलोमीटर है, 180 है। तो हम भाई ना गाड़ी से जा रहे हैं ना भाई बाइक से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ट्रेन से। पहुँच तो चलो लेट्स गो ट्रेन में। जय श्री राम। राम जी चले। ये हमारे घर क्यों ना आए? हम तो घर से बोलते नहीं। मैं पूछो तो सुबह बोल रहा हूं कि मैं तो घर ही थी। चलो जा रहे हैं हम हरिद्वार, कल तक आ जाएंगे। राम राम जी। अभी हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ और हमारे वहां पर देवता है सत्य। हाथ जोड़ भाई। हमारे वहां पर देवता है जो कि भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताए थे, ठीक है, सबके देवता भाई खेतों में ही रहवे, तो हमारे भी यहीं पर ही है। किसी किसी के घर में रहवे, अच्छी बात है, जहाँ पे भी रहवे, ठीक है। तो जस्ट भाई अभी का सीन क्या है कि भाई जस्ट अभी हम जा रहे हैं सब लोग। भाई कौन कौन जा रहा है हरिद्वार? बोल जय श्री राम। जय श्री राम। सुबह दोपहर हर हर महादेव। अब होता सुबह दोपहर शाम जय सियाराम। लोग कह रहा संडे तक वापस आ जाएंगे, मैं कह रहा कल वापस आ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कितने घंटे पहुंचेंगे गुल्लू? शाम के 5 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब कि 7, मतलब कि यहाँ से 11:30 की ट्रेन है और शाम के 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अभी टाइम मैं तुम्हें दिखाऊं कितना हो रहा, 11:09, 2.5 घंटे में रुटकी लगा दी मैंने गाड़ी। तो भाई दोस्त ये है अपना रेलवे स्टेशन बागपत रोड। हाँ भाई रेलवे कितनी देर मारी ट्रेन देखिए एक बार मोबाइल में, आ जाएगी भाई 15 मिनट में आ जाएगी भाई। तू टिकट ले जाके यार ऐसे हटा ले भाई मुझे हो रहा। क्योंकि भाई धूप नहीं लगेगी ना, गमछा इसलिए रख रखा। ओ भाई वो तो गिल्ला कर लिया मजा आ रहा ना, गिल्ला कर लिया ना मजा आ रहा, ठंडा ठंडा लग रहा। ऋषिकेश से हरिद्वार। ओए ऋषिकेश से हरिद्वार ऋषिकेश कर ले, पूछ पैसे देख कितने लिख रहे ऋषिकेश के। हरिद्वार ही ले ले, क्या रुपए का? 60 रुपए का। कितने का? 400। एक टिकट कितने का? 80 रुपए पहुंच जाएंगे हरिद्वार, बताओ।
और क्या चाहिए। और वैसे जाओ गाड़ी से लग जा 2-3 हज़ार रुपये, पेट्रोल की गाड़ी से, सीएनजी से भी लग जा। चलो आओ। तो दोस्तों जस्ट भाई ट्रेन में आ गए, देखो हाय हाय करते मेरे रंग। तो दोस्तों दोस्तों भाई दोस्तों जो उड़ीसा वाला केस हुआ था ना, अब ट्रेन में और भी डर लगा लगा यार, जब से वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ इतना डर लगा है। मैं तो बाहर की तरफ ही बैठा, कुछ ठुकेगी भूकेगी क्या जाऊँगा। देख भाई लिख दी जा, वहाँ तो मर नहीं मरना ठीक है, सब कुछ आना एक ना एक दिन। देखो तो व्यू देखो भाई, देखो दोस्तों पहुँच जाएंगे 5-6 बजे तक, 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। सचिन भी गैन में हाई करते, सब लोग गाड़ते। जब मैं वाटर पार्क गया तो मैंने कहा भाई सचिन को क्यों नहीं ले गए, अरे क्यूटी 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 सुरमात है। कितनी स्पीड से चलती कहाँ लिख रहा किलोमीटर। चलिए दोस्तों जस्ट भाई सीट मिल गई है, आराम से बैठ गया। भाई वाह भाई वाह, सही है, भगवान तेरा भाई हरिद्वार। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बढ़िया। तो गाइस बहुत घंटे बाद मिली, मतलब कि कितने स्टेशन पार करे हमने, 5-7 तो कर ही दिए, 5-7 स्टेशन पार करे। और इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने सीट दी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री राम। और भाई अभी आराम से बैठ गए, क्या किलोमीटर दिखा रहा था भाई, 104 किलोमीटर दिखा रहा था मैप में। पहुंच जाएंगे अब जल्दी से फटाफट, हैं 104 रह गया। पूरी ट्रेन ही हरिद्वार से भरी पड़ी, हरिद्वार हरिद्वार स्टेशन आ गया सामने। सब्सक्राइब कर रहे क्या भाई, कर दो कर दो कर दो, तुम भी सब्सक्राइब करो करो ना, अंकुश टीवी, अंकुश द व्लॉग, अंकुश टीवी। आई हुई है भाई 10 लाख, बहुत बहुत धन्यवाद भाई तुम्हारा। जो भीड़ कितनी चढ़ेगी यहाँ से, सब्सक्राइब करवाने लग रहा दोस्तों में, देख लो भाई सब्सक्राइबर। अरे यार लो भाई, तुमने मेरा नाम सुन गया या पहले से सब्सक्राइब? पहले से ही। अच्छा तुम आ बैठे थे। ऐ है ऐ है, लो भाई सब्सक्राइबर। वो सताते हो तुम भाई, भाई अब तो होगी शादी उसकी, अब तो वो चली गई घर अपने। शादी के बाद भी? हाँ शादी के बाद भी। कहाँ से हो? लोनी से भाई, सब्सक्राइबर भी मिल गए भाई। स्टेशन है सामली, सॉरी A to Z। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे किलर सारे, जय जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ये भाई तेरा बड़ा ऊंचा, क्या था ये? यह वाली ट्रेन तो रोक दी दोस्तों, और जो वहाँ वाली निकल के गई पहले उसे निकलना, अब यहाँ चलेगी। बस दोस्तों पहुँचने वाले, अभी हमने रुड़की पार करा, रुड़की 3 स्टेशन और अब फिर सीधा हरिद्वार, बोल हर हर महादेव। और देखो ये सामने काई की खड़ी मारे पे, कोयला काला है, कोयले की गाड़ी खड़ी है भरी हुई, ऐसी खड़ी थी गोल्डू मालगाड़ी उड़ीसा में, और जैसे आई ना भगी हुई, इनने एकदम से कट ले लिया और इसमें जाके भिड़ी मालगाड़ी में। ट्रेन का सफ़र करने में मज़ा आ गया दोस्तों, वैसे तो सीट भी मिल गई, सब्सक्राइबर मिल गए, सब्सक्राइब भी करवा लिया चैनल, सारी चीज़ करवा ली। वैसा भी स्टेशन पर मज़े लेते हुए, वही सीन हो जाता है अभी, 5 लाख मिले उन्हें यार, देख जिंदगी चली गई उनकी गोल्लू, 5 लाख में जिंदगी चली गई उनका, इंसान थोड़ी ना जाएगा जो मर गया। उड़ीसा ट्रेन की बात कर रहे तो दोस्तों भाई ट्रेन ना ऐसी रुक गई स्टेशन पे, और सामने देख लो आइसक्रीम वाला खड़ा है, जहाँ पर भाई गोल्लू गया है आइसक्रीम लेने,
हमने भेज दिया। अब हमें डर इस बात का है कि ट्रेन ना चल जाए, क्योंकि यहाँ पर सब लोग भाई आइसक्रीम ले लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे सब्सक्राइबर भी मिल गया। अरे खट्टी सी ये है, आप बेच देंगे 2 रुपए लगा के एक्स्ट्रा। सब्सक्राइबर नहीं और लेता, बेच देते हैं 10-10 रुपए ऊपर कर देते, 10 वाली 15 में बेच देते। बड़बुल्ले मुझे आती है, बड़बुल्ले बड़बुल्ले क्या यहाँ गुट बजवाएगा क्या? 10 वाली लाओ बे, 30 रुपए की बेच दो। भाई अभी आइसक्रीम वाइसक्रीम खाने के बाद धूप लग रही है, बट आराम से बैठे हैं बाहर। बाहर नहीं बैठा करो, अगर तुम ट्रेन में जाओ ना मत बैठा करो। यहाँ तो मंदी चल रही, देखो कितनी मंदी चल रही, इसलिए हम बैठे हैं। ठीक है, हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है तेज में तो मैं अंदर बैठा था, तेज चल रही थी। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि भाई हम पहुँचने वाले हैं सीधा हरिद्वार। आइसक्रीम खा के मजा आ गया भाई, उतर के गए पक्के आइसक्रीम ले हो गया लेने। अगर ट्रेन चल जाती ना तो क्या करना पड़ता, बेगम मार देता मैं। आइसक्रीम बेचता हुआ और क्या होता, मैं आइसक्रीम बेचता हुआ और क्या होता। मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के, धूप मीठी मीठी लग रही है, मीठी मीठी। टाइम बताइयो, टाइम 4:30 बज चुके हैं। रिजर्वेशन नहीं करवा रखा था ना, लोकल ट्रेन है, अगर रिजर्वेशन करवाते ना तो भाई 1-1.5 घंटे में सीधा हरिद्वार। पर यार हमने नू नहीं करवाया, क्योंकि हमारे तो घर घर के पास में तो एक तो स्टेशन है हमारे, वहीं से यही एक रूट है। रूट तो बहुत है बट यही एक मेन रूट है, पास में 160-175 किलोमीटर है बस। हमने तो लोकल ट्रेन में बैठ के जाएंगे, सीट मिल जाएगी यार, मिल भी गई ऐसी बात रहना मिली। बट मजा आया बेटा, काफ़ी टाइम तक चलती रही, बहुत दिन बाद सफ़र कर रहा, वरना इधर देख के गाड़ी में यहाँ रुकी। दोस्तों सामने भाई हरिद्वार का स्टेशन, और ये आगे पहाड़, नज़ारा देख लो कितना प्यारा है। हाय 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 हाय, ऐसे नज़ारे में ट्रेन का सफ़र ना करो तो कुछ ना करो। तो मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा कि अगर तुम हरिद्वार आओ तो ट्रेन के सफ़र से आओ, अगर दूर हो तो रिजर्वेशन करवा लो, पास में हो तो लोकल ट्रेन। रूट वाले तो परेशान हो जाएंगे बेटा लोकल में। बैग बैग लेकर आ जाओ, बैग बैग मेरा बैग, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मुझे क्या पता, मैं भी आगे हरिद्वार आ गए। आगे आगे चलो 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 चलो, जूते पहनने देने जाओ। हां भाई आईडी ले लेना इंस्टाग्राम पर, कैसे क्या मतलब। चलो भाई हरिद्वार स्टेशन पर उतरते हुए, यहां पर दोस्तों भीड़ देख लो कितनी हो रही। आईडी ले लो, मिस्टर एनके, मिस्टर एनके, एनके भाई एनके। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, अगर मिलते हो तो ठीक है। ओके चलो फिर, लेट्स गो। ओके भाई, जय श्री राम। सब लोगों का प्यार मोहब्बत सब कुछ मिला, और अभी हम उतर चुके हैं भाई हरिद्वार। तुम देख लो इस वाली ट्रेन से उतरे और भीड़ कितनी है, बहुत ज्यादा। राम राम जी, हरिद्वार घूमना है और हरिद्वार क्या करने, मतलब गंगा स्नान करना है, घूमना है, यात्रा करना है। क्या खा रहे हो? हम खा रहे भैया गुटखा, दिलबाग। गुटखा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? सेहत के लिए खतरनाक है गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारी आदत गंदी है, आपकी इनकी आदत गंदी है थोड़ी सी, तो गुटखा नहीं खाना चाहिए। ओ भाई जो क्या होगा देखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हो, सही है। ओके ये है एग्जिट गेट, निकास एग्जिट गेट, और भीड़ देखो भाई, देखो भीड़ यहाँ, सब लेटे हुए हैं। हाथ पकड़ो इसका, यहीं खुजागा बालक तुम्हारा, हाथ पकड़ो इसका। हरिद्वार भीड़ है, अभी हम आपको मिलते हैं हर की पौड़ी। ठीक है, ओके गाइस हम आ चुके हैं हर की पौड़ी। भाई ले जब ऊपर से व्यू आ रहा है। ओ भाई सचिन आ जा, हट जा। सो गाइस जस्ट भाई गंगा जी आ गए भाई, देख लो दोस्तों फाइनली। एंड सो कहाँ चले गए थे आप लोग?
सो फाइनली दोस्तों जस्ट देख लो भाई गंगा जी जस्ट भाई अभी आरती होने वाली है, गंगा जी की आरती होने वाली है। सिक्योरिटी वाले भाई बिठा रहे हैं सब लोगों को। देखो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए वरना हमें भी जगह मिल जाती, बट हम आरती देख लेंगे बड़े प्यार से। अभी कितना टाइम लगा आरती में? 7:30 बजे हो जाएगी। दोस्तों अभी भाई आरती होने में मतलब टाइम है, तो हमने सोचा क्यों ना अभी भाई हम नहा ले जल्दी जल्दी, फिर नहाने के बाद हम आरती ले लेते हैं। सचिन है मार 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 सचिन मार, शोर मत मचा। दोस्तों भाई इतनी ज़्यादा ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा गंगा जी का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। अभी अब हम नहा लिया है, अब नहाने के बाद ना अब आरती में बैठेंगे, आरती करेंगे गंगा जी की, ठीक है। 7:30 बजे होगी। बोल गंगे मैया की, बोल गंगे मैया की जय, बोल सुबह दोपहर शाम जय श्री हरि। सीन क्या है कि भाई अभी ना गंगा जी की आरती हो रही है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया अभी आरती करते हैं, ठीक है। सो हर हर महादेव भाई, आरती अभी अभी हो गई है दोस्तों। हर हर महादेव, ठीक हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जस्ट अभी अभी भाई तिलक विलक लगवा के आरती वारती करके, और अभी बस हम भाई जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल ऑफ यू। राम राम दिल से, राम राम, राम राम दिल से, राम राम बोल, राम राम दिल से, राम राम दिल, बोल सुबह दोपहर शाम जय श्री राम। अब मजा नहीं है ऐसे, बोल सुबह दोपहर शाम जय श्री राम। अन्ना मैया की जय।